हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अभय सक्सेना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SEO पाठशाला। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डू फॉलो लिंक्स और नो फॉलो लिंक्स। ये डू फॉलो लिंक्स और नो फॉलो लिंक्स क्या होते हैं, ये हम लोगों को कोडिंग पार्ट में कहाँ जाके शो होते हैं और इनके फीचर्स क्या हैं। तो पहले मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि डू फॉलो लिंक्स और नो फॉलो लिंक्स हम कहाँ देख सकते हैं। जस्ट अ मिनट। जैसे मैंने वेबसाइट ओपन कर रखी है फ्रेंड्स, इसका एक वेब पेज है, उसका मैंने सोर्स कोड ओपन कर रखा है। तो मैंने जैसे यहाँ पे फॉलो सर्च में किया तो आप देख सकते हैं मेटा नेम रोबोट्स, मेटा रोबोट्स टैग्स होते हैं जिसमें इंडेक्स और फॉलो, कंटेंट इंडेक्स और फॉलो होना चाहिए। मतलब ये एक सीधा सिग्नल दे रहे हैं क्रॉलर्स को, जो गूगल के क्रॉलर्स आते हैं, कि भाई जब भी इस पेज पर आप जाएँ तो इस कॉन्टेंट को आप इंडेक्स भी कीजिए और इसमें जितने भी लिंक्स हैं, इंटरनल लिंक्स हैं, उन सबको फॉलो कीजिए। तो ये एक सिग्नल दिया जाता है गूगल की क्रॉलर को एक वेबसाइट के कोड के द्वारा, एक मेटा रोबोट्स टैग्स के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं जाता हूँ इसके थियोरेटिकल पार्ट पे। तो डू फॉलो लिंक्स, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डू फॉलो लिंक्स अलाउ सर्च इंजन्स लाइक गूगल टू फॉलो द लिंक एंड पास लिंक जूस और पेज रैंक फ्रॉम द सोर्स पेज टू द डेस्टिनेशन पेज। They are used to endorse and recommend the link page content which can help improve its search engine rankings. Friends, इसका जो definition है उसके point of view के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि what it's all about, do follow links होते क्या हैं। कि friends देख लीजिए, हमारा एक web page है, like home page है इस website का। तो जब मैंने इस पर यहाँ hover करा तो आप देख सकते हैं left hand side पर नीचे hover करने के बाद इसका link दिखा रहा है starengine.com/cableassemblies। तो फ्रेंड्स, ये इसमें एक एंकर टेक्स्ट है और इसमें एक हाइपर लिंक लगा हुआ है जो कि केबल असेंबलीज का पेज ओपन होगा। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पेज ओपन हुआ। तो आप इस फ्रेंड्स इस पेज पे अगर देखें, डॉट कॉम का पेज है, और जस्ट अ मिनट, अगर मैं इधर जाऊँ तो मैंने ये डॉट कॉम के पेज का ही सोर्स कोड ओपन किया हुआ है और मैं यहाँ पे सर्च करूँ फॉलो। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मेटा नेम रोबोट्स में इंडेक्स कंटेंट में कंटेंट को इंडेक्स और फॉलो टैग दिए गए हैं। मतलब इसमें जितने भी इंटरनल लिंक हैं या जितने भी हाइपर लिंक लगे हैं, क्रॉलर उन लिंक्स पे जाए और रीडायरेक्ट हो जाए जिस पेज के लिए वो लगे हुए हैं। तो इसका सिंपल सा फंडा ये होता है कि क्रॉलर जैसे आपके होम पेज पे आया या किसी भी पेज पे गया, उससे जितने भी हाइपर लिंक दिखे, जितने भी एंकर टेक्स्ट दिखे और उन एंकर टेक्स्ट पे जो लिंक लगे हुए हैं, क्रॉलर उन लिंक्स पे रीडायरेक्ट होके उन वेब पेजेस पे जाएगा। फ्रेंड्स ये तो बात हुई अगर मैं केबल असेंबलीज की बात करता हूँ, ये इसी वेबसाइट के इसी पेज की बात हो रही है, मतलब इंटरनल लिंकिंग। कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग जब बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं तो कुछ वेबसाइट्स में ब्लॉक सेक्शन में ब्लॉक पेजेस में जो ब्लॉग सेक्शन होता है उसमें कमेंट सेक्शन होता है। तो वहाँ पे हम जाके क्या करते हैं, सिंपल से उस क्वेश्चन को आंसर देख के अपना एक वेबसाइट का लिंक या किसी वेब पेज का लिंक वहाँ पे छोड़ देते हैं, ताकि क्रॉलर उस वेब पेज पे आए, उस वेबसाइट के वेब पेज पे आए और उस लिंक से रिडायरेक्ट होकर हमारी वेबसाइट पर आ जाए जिसको हम एक लिंक जूस पास कराना चाहते हैं, जो वेबसाइट थर्ड पार्टी है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड्स कि ये फॉलो डू फॉलो क्या होता है। फॉलो लिंक्स मतलब लिंक्स हमारे ये, मतलब हमने फॉलो इसलिए लिखा कि क्रॉलर इस फॉलो वाले इस फॉलो से इंस्ट्रक्शन ले और रीडायरेक्ट हो जाए उस एंकर टेक्स्ट से। इसमें फ्रेंड्स जैसे एंकर टेक्स्ट की बात मैं करूँ तो हार्नेस असेंबली हो सकता है, और इस हार्नेस असेंबली पे हाइपर लिंक जो लगा है वो ये लगा है कि https://starengineering.com/harness-assemblies। ये इस वेब पेज की बात हो रही है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉलो जो मैटर रोबोट्स टैग हैं, उस फॉलो का मतलब क्या होता है। वो क्रॉलर को कहता है कि आप फॉलो करो, जितने भी एंकर टेक्स्ट में आपको हाइपरलिंक दिखते हैं उन सबको फॉलो करो। फ्रेंड्स इसका और इसका फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए कि हमारी कोई नई वेबसाइट है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि जब भी ऑफ पेज एक्टिविटी की बात चलती है कि भाई हाई DAPA वाली वेबसाइट्स होनी चाहिए और हमारी ही नीश की वेबसाइट होनी चाहिए। मान लीजिए जैसे मेरी डिजिटल मार्केटिंग की फ्रेश मैंने एक वेबसाइट ओपन करी कि मैं डिजिटल मार्केटिंग वेब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मैं SEO सर्विस दे रहा हूँ, SMO दे रहा हूँ, PPC दे रहा हूँ, Facebook ऐड दे रहा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। तो
अगर मैं अपने नीश की बात करूँ और हाई DAPA वेबसाइट्स की बात करूँ, तो मेरे को सबसे अच्छा रहेगा कि मुझे अगर नील पटेल, अगर उसकी कोई वेबसाइट है या इंडस्ट्री में जो ऑलरेडी लोग इस्टेब्लिश कर चुके हैं अपने आप को इस फील्ड में और उनकी वेबसाइट का ऑलरेडी हाई DAPA है, तो मैं चाहूँगा कि वहाँ से मुझे एक बैकलिंक मिल जाए जिससे उस उनके DAPA से एक उस वेबसाइट का एक लिंक जूस पास हो, मतलब उनके DAPA की जो अथॉरिटी है उसका भी कुछ पोर्शन मुझे मिल जाए। तो इसलिए हम लोग डू फॉलो लिंक्स का यूज़ करते हैं कि भाई हम अपनी अपने वेबसाइट से किसी और वेबसाइट को एक लिंक जूस पास कर सकें। तो डू फॉलो लिंक्स वो होते हैं जो कि क्रॉलर को अलाउ करते हैं कि वो उस वेबसाइट पे, ये मैं इंटरनल लिंकिंग की बात नहीं कर रहा, ये मैं एक्सटर्नल लिंकिंग की बात कर रहा हूँ, कि क्रॉलर जाए उस पर्टिकुलर हाइपर लिंक पे जो किसी और वेबसाइट ने, थर्ड पार्टी ने हमारे किसी भी वेब पेज पे लगाया है, और क्रॉलर उस वेबसाइट को, उस वेबसाइट पे जाके विजिट करे और उसका पेज अगर उसे रेलिवेंट लगता है तो उसको इंडेक्स कराए और कुछ हमारी वेबसाइट का लिंक जूस जो DAPA अच्छा है वो उस वेबसाइट को कंट्रीब्यूट करे ताकि उस वेबसाइट को भी बेनिफिट हो। तो ये हो गया हमारा डू फॉलो लिंक्स, जिसमें कि हम क्रॉलर को इंडिकेट करते हैं कि जितने भी लिंक्स, जितने भी एंकर टेक्स्ट पे जो भी हाइपर लिंक लगे, आप उन पे रिडायरेक्ट होके जाइए और उन पेजेस को चेकआउट कीजिए। तो इसमें इंटरनल लिंक भी आ गया, एक्सटर्नल लिंक भी आ गया, लेकिन डू फॉलो लिंक्स अगर हम बात करें तो ये एक्सटर्नल लिंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आता हूँ नो फॉलो लिंक्स। नो फॉलो लिंक्स में क्या होगा फ्रेंड्स, कि जैसे आप यहाँ पे गए हो, यहाँ फॉलो लिखा है ना, यहाँ नो फॉलो होगा। और कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट इंडेक्स होता और यहाँ फॉलो नहीं होता तो भी वो फॉलो में ही काउंट होता, कि ये वेबसाइट में फॉलो लिंक, फॉलो लगा हुआ है, ये फॉलो लिंक का एक इंडिकेट दे रहा है। नो फॉलो में हमेशा नो फॉलो लिखा होता है, लेकिन इस वेबसाइट में उन्होंने फॉलो लिखा है, तो वही बात है कि ये भी एक इंडिकेट कर रहे हैं, जो क्रॉलर्स इस सोर्स कोड पे आए तो उसको इंडिकेशन मिल जाए कि जितने भी एंकर टेक्स्ट इस वेब पेज पे हैं और जो भी उन पे हाइपर लिंक लगे हुए हैं, मेरे को उन पेजेस पे रीडायरेक्ट करना है और उस पेज को अगर वो रेलिवेंट है तो मैं इंडेक्स करा, क्रॉलर इंडेक्स करवा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर यहाँ फॉलो नहीं है तो भी वो फॉलो कहलाएगा, और नो फॉलो में तो 102% यहाँ नो फॉलो ही लिखा होगा। तो नो फॉलो क्यों होता है फ्रेंड्स, अ नो फॉलो लिंक इंक्लूड्स रिलेशन नो फॉलो एट्रीब्यूट इन द HTML कोड। लाइक फ्रेंड्स यहाँ पे नो फॉलो मेंशन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नो फॉलो लिंक इंस्ट्रक्शन जिन नॉट टू फॉलो लिंक और पास एनी SEO वैल्यू पेज रैंक टू द लिंक पेज। फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया था कि जब भी हम नो फॉलो, जब भी हमारे सोर्स कोड में नो फॉलो लिखा होगा, तो जब क्रॉलर उस HTML कोड पे जाएगा तो उसे ये इंडिकेशन मिलेगी भाई इस पेज में जितने भी लिंक्स हैं मुझे उनको नो फॉलो करना है। इट मीन्स अगर किसी थर्ड पार्टी का लिंक लगाया, अगर कोई थर्ड पार्टी हमारे उस वेब पेज पे अपना कोई लिंक छोड़ के गई है, तो क्रॉलर को एक इंडिकेशन ये दी जाती है कि भाई आपको उसको फॉलो करके उस एंकर टेक्स्ट पे हाइपर जो लिंक लगा उसको फॉलो नहीं करना, ना वहाँ पे रिडायरेक्ट होना। अगर वो नो फॉलो, जैसे ही क्रॉलर वहाँ नो फॉलो देखेगा, वो जितने भी लिंक्स उस पेज पे होंगे उनको उन पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि पेज पे हमें ऊपर इंडिकेशन मिल गया नो फॉलो। इससे फ्रेंड्स क्या होता है कि एक तो लिंक जूस पास नहीं होता, कि भाई अगर क्रॉलर वहाँ पे गया ही नहीं, उस हाइपर लिंक पे, उस एंकर टेक्स्ट पे गया ही नहीं, उस हाइपर लिंक से रिटर्न हुआ, तो एक तो हमारा लिंक जूस पास नहीं हुआ। सेकेंडरी होता है नो फॉलो प्रैक्टिस सेफ क्रॉल बजट। फ्रेंड इससे हमारा क्रॉल बजट भी बचता है, मैं क्रॉल बजट का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें आपको नटशेल में बताया था क्रॉल बजट क्या होता है। क्रॉल बजट गूगल की तरफ से हर वेबसाइट के लिए, उनके क्रॉलर्स को किसी हर वेबसाइट के लिए क्रॉलर्स को एक क्रॉल बजट दिया जाता है कि भाई इतने गिवन टाइम में आपको इस वेबसाइट्स के पेजेस को क्रॉल करना है और इंडेक्स करना है। फ्रेंड्स मान लीजिए कि हमारी वेबसाइट के लिए अगर किसी क्रॉलर को एक मिनट मिला और हमारी वेबसाइट्स पे 10 पेज हैं, तो फ्रेंड्स हम तो ये चाहेंगे कि उस एक मिनट में 10 पेज क्रॉलर क्रॉल करे और इंडेक्स कराए। लेकिन अगर हमारे पेजेस पे नो फॉलो लिंक नहीं होगा और फॉलो लिंक होगा, तो उस एक मिनट के अंदर क्रॉलर आएगा और वो रीडायरेक्ट हो गया किसी थर्ड पार्टी पे। अगर कोई बैकलिंक बना के गया, कोई बुकमार्किंग बना के गया हमारे वेब पेज पे अपनी वेबसाइट के लिए, तो क्रॉलर वहाँ रीडायरेक्ट हो जाएगा, तो वो हमारा क्रॉल बजट जो है, क्रॉलर ने उस क्रॉल बजट में दूसरी वेबसाइट भी क्रॉल कर ली। तो फ्रेंड्स हम तो ये नहीं चाहेंगे, तो हमारे को अपने क्रॉल बजट सेव करने के लिए भी हम नो फॉलो लिंक प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। सेकंड,
नो फॉलो लिंक्स कैन बी यूज टू प्रिवेंट स्पैम मैनिपुलेशन ऑफ सर्च इंजन रैंकिंग। फ्रेंड्स ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नो फॉलो लिंक्स लोग क्यों लगाते हैं। उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मान लीजिए आपको भी पता है कि ऑफ पेज एक्टिविटीज़ में 10 में से 6 बार ऐसा होता है कि हम वहाँ पे बैकलिंक क्रिएट करते हैं जो हमारे नीच ही नहीं है। बस हम इसलिए देख लेते हैं कि भाई उनका DAP अच्छा है। अब हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे ऑफ पेज जो फ्रेशर्स होते हैं, ऑफ पेज जो न्यू कमर्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हम अपनी नीच की वेबसाइट्स कहाँ से लेके आएँ, हमें इतनी नहीं मिलती। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट्स का अगर DAP अच्छा होता है और हमने कंप्यूटर एनालिसिस करा, अगर उसने भी वहाँ पे बैकलिंक क्रिएट करा तो हम भी वहाँ बैकलिंक क्रिएट कर देंगे। अब उससे फ्रेंड्स क्या होता है कि कई बार हमारी वेबसाइट का DAP इतना अच्छा नहीं होता, या कई बार हम लोग अगर DAP भी अच्छा नहीं होता और कुछ लोग स्पैमी वेबसाइट भी बनाते हैं, जैसे पॉन साइट्स बना ली, गैम्बलिंग साइट्स बना ली, जो गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से पनिशेबल हैं, या जो जिनको गूगल एक अच्छे कंटेंट में कंसीडर नहीं करता। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स कोई पॉन साइट का, कोई गैम्बलिंग साइट का बुकमार्क किसी एक, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या हेल्थ सर्विसेज या XYZ किसी एक ऐसी वेबसाइट्स पे बुकमार्किंग कर दे, तो गूगल, तो जब क्रॉलर वहाँ जाएगा उस एक्चुअल वेबसाइट पे जाएगा जो कि हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करती है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, और उसको वहाँ पे वो बुकमार्क मिलेगा और उससे वो रीडायरेक्ट हो गया गलती से भी अगर वहाँ फॉलो लिंक लगाया, अगर उन्होंने नो फॉलो नहीं लगाया, और वो अगर पॉन साइट पर गैम्बलिंग पे गया तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उस वेबसाइट्स को तो मिलेगा ही मिलेगा, हमें भी मिलेगा कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट की जो रेपुटेशन है एक हेल्थ सर्विसेज की, एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की है, और आप ऐसी वेबसाइट्स को लिंक जूस पास कर रहे हैं या ऐसी वेबसाइट्स को अलाउ कर रहे हैं अपने वेब पेजेस पे बुक एक लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी अथॉरिटी में। तो फ्रेंड्स इसलिए भी नो फॉलो लिंक्स मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स लगाती हैं कि भाई हमारी रेपुटेशन और हमारे DAPA पे कोई फ़र्क ना पड़े, कहीं ये ना हो कि कोई पॉन साइट या गैम्बलिंग साइट का कोई बुकमार्किंग या कोई लिंक हमारे पास हमारी वेबसाइट पे अटैच्ड हो और उसके थ्रू उस वो तो पनिश हो और उसके और हमें भी उसका खामियाजा भुगतना पड़े, या हमें भी कहीं ना कहीं गूगल पनिश करे इन टर्म्स ऑफ सर्च रैंकिंग्स। तो फ्रेंड्स ये था नो फॉलो और डू फॉलो का डिफरेंस। सो फ्रेंड्स अगर आपको कुछ इस इन में कुछ और ऐड ऑन करना हो जो मैंने मिस आउट कर दिया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरे चैनल को फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अगर आपको लगता है तो एज मच एज़ पॉसिबल प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।